सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या सीन क्या चल रहा है, काफी हंसी मजाक चल रहा है घर पे सबके साथ में। एक्चुअली रमन आ गया है अमेरिका से और वो किसी तरह अलमारी में बंद हो गया ऊपर, और मिसेज अय्यर को ये बात पता है और वो ये चाह रही हैं कि पूरी फैमिली यहाँ बैठी रहे और जब इशिता जाए तो उसको पता चले और वहाँ पर उनके लिए फन हो और इन्जॉय करें वो। लेकिन प्रोग्राम ये था कि वो बाथरूम में या कहीं और अपने आप को बंद करेगा, लेकिन गलती से, नीलू की गलती से वो अलमारी में बंद हो गया, तो जाहिर है कि सब कुछ उलट पुलट गया। और मैं जाना चाह रही हूँ और मिसेज अय्यर रुक रही हैं क्योंकि उनको तो पता है कि हम ये प्लान कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, तो ज़रा प्ले करने दें। और मिसेज भल्ला के नॉलेज में नहीं है तो वो घबरा रही है कि इशिता गिर ना गई है ऊपर। तभी इशिता को काफी बिना चाय कॉफी कुछ पिए भगाने की कोशिश जारी कर जा रही है आप लोगों की। मेरी नहीं, हम लोगों में से किसी की भी नहीं, मिसेज अय्यर को ये बात पता है तो उन्होंने ये किया क्योंकि उनकी प्लानिंग थी और उनके नॉलेज में था, तो उन्होंने हम सबको यहीं रोका और इशिता से कहा कि तुम जाओ जाओ ऊपर जाके अपने मियाँ से फोन पे बात करो। और मतलब ऐसे वो प्रिटेंड कर रही है जैसे अभी तक जो है ना वो पहुंचा नहीं है, रमन अमेरिका में ही है जबकि रमन ऊपर कबर्ड में बंद है। तो रमन के आते ही वापस सारी खुशियां लौट आ रही है। ऑब्वियसली जाहिर है घर का बेटा वापस आया इतने दिनों से, तो मिसेस भल्ला का तो आपको पता है कि वैसे ही लोग ओवर द मून होते हैं, मिसेस भल्ला तो ओवर द सन हो जाती हैं। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, जितने प्यार से आप लोग देखते हैं, जो आपकी फीडबैक होती है स्पेशली मेरी पंजाबी के लिए, मेरे पंजाबी एक्सेंट के लिए, डायलेक्ट के लिए, पंजाबी भी समझते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और जैसा फीडबैक हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू।